हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इशाक है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में टाटा नैनो का एक छोटा सा इश्यू है, उसके बारे में आज का वीडियो है। बेसिकली मेरा टाटा नैनो बहुत दिन से कभी कभी स्टार्ट हो रहा है, कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है सेल्फ मोटर में कुछ कमी है, मतलब कुछ उसका कार्बन ब्रशेस में प्रॉब्लम हो सकता है या उसका जो भी कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूँ वो तो इधर से चेक कर लिया है, सामने की के पास से जो भी सिस्टम रहता है की के पास और रिलेस के पास मैं चेक कर लिया, रिलेस और की सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन हम लोग का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कभी कभी स्टार्ट हो जा रहा है, कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं अभी इस गाड़ी को इलेक्ट्रिशियन के पास लेकर जा रहा हूँ, तो लेकर जाके अभी चेक करवा के देखते हैं कि सेल्फ मोटर में प्रॉब्लम है या हम लोग का वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गाड़ी को हम लोग जैक के ऊपर रख के थोड़ा हाइट कर लिया ताकि एक आदमी नीचे घुसे। तो अंदर तरफ आप लोग देख सकते हैं बैक डोर पूरा ओपन कर लिया है। उसके साथ साथ हम लोग को क्या है, इंजन कंपाउंड सीट के नीचे जो भी जो ओपनिंग रहता है उसको भी खोल लिया है। साथ ही साथ एयर इंटेक सिस्टम का जो भी ऊपर का है सिस्टम उसको भी हटाना पड़ेगा अगर हम लोग टाटा नैनो के अंदर सेल्फ मोटर निकालना है। तो लोग देख सकते हैं नीचे भी देखिए, पूरा पाइप को खोल के रखा है, पूरा एयर इंटेक सिस्टम और वाल्व रेगुलेटर है जो है। और इस तरफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ नीचे में, तो हमारा इंजन ऑयल फिल्टर जहाँ लगता है उसको भी हटाना पड़ेगा नीचे से अगर सेल्फ मोटर हमको हटाना है। तो सर, हम लोग तो ऑयल फिल्टर को भी हटा दिया है और ऊपर में एक कूलेंट ऑयल का पाइप भी आता है, वो कूलेंट ऑयल का पाइप भी हम लोग हटा चुके हैं। आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये कूलेंट ऑयल है ऊपर वाला जो पाइप है, ग्रीन कलर में जो पानी आ रहा है ना वो कूलेंट है, तो उसको भी हम लोग हटा दिया है। तो पूरा हटाने के बाद बंदा हमारा नीचे एक घुसा है और ऊपर से एक पूरा निकाल दिया है। ये दो आदमी का ज़रूरत होता है इसको अगर हम लोग खोलना है। तो अभी इसको क्या प्रॉब्लम हुआ अभी चेक करके देखेंगे। तो ये टाटा नैनो का सेल्फ मोटर है, देखने में ये खतरी में बस जा रहा है लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है इसको निकालने में। तो अभी हम सनलाइट के कनेक्शंस को हटा दे रहे हैं, हटा के पूरा डिसमेंटल करके देखते हैं कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम आया है। तो फ्रेंड्स, अभी सेल्फ मोटर को खोल चुके हैं तो चेक कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को पहला पता चला है कि आप लोग देख सकते हैं इधर चार ब्रशेस, उसमें से एक ब्रश फ्री नहीं है, जाम होके बैठा है। इसी के चलते कभी कभी गाड़ी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी सॉलनाइड वाल के बारे में भी पूछा है तो वो बोल रहे हैं कि इतना खर्चा कर रहा है तो सॉलनाइड वाल को भी चेंज करवा लीजिए, क्योंकि वो कभी कभी फेल हो सकता है। इसीलिए जब ये कार्बन ब्रश का सेटअप जब चेंज कर रहा है तो उसके साथ साथ इसको भी चेंज कर लीजिए करके हमको बताया, इसलिए हम दोनों चेंज करने के लिए बोल दिया है, बाकी सब तो ठीक ठाक है बोल रहा है। तो इन सारा चीज़ का हम लोग लगभग 3000 का खर्चा लग रहा है। तो क्लियरली देख सकते हैं ये जो कार्बन ब्रश है वो बाहर नहीं आया है, अंदर ही बैठा है। तो एक्चुअली फ्री रहना चाहिए, बाहर आके आर्मेचर को कनेक्ट होके होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम था, तो अभी इसको पूरा बना दे रहा है। अभी हमारा सेल्फ मोटर तो पूरे तरह रेडी हो चुका है, बस अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। देख सकते हैं अभी अच्छा से ये चालू हो रहा है, तो सारा टेस्टिंग अभी ख़त्म हो गया है, अभी लेकर जाके गाड़ी में वापस लगा देंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी काम तो हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो पूरा बंद है, अभी मैं की लगा के स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी ये आ गया है, इग्निशन स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट करके देखने वाले हैं। गाड़ी हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग और एक फॉल्ट भी पकड़े गया है कि इधर एक हमारा प्रॉब्लम आ रहा है चेक इंजन लाइट के, इसका भी हम लोग चेक कर लिया है। उस वो दूसरा वीडियो में वो क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर मेरा इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।